नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे, पिछले वीडियो में अपने बात करेंगे, वीज़ा किया था कि वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है। इस वीज़ा में बात करेंगे, अगर आप दुबई में कमाने के लिए जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, क्योंकि दुबई में 80% काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, हमारे यहाँ राजस्थान से तो उसी में जाते हैं। तो मैं इसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसकी 100% इसी की जानकारी है, इसलिए मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन में अलग अलग ट्रेड में अगर आप जाते हो तो कितना पैसा, किस तरह से, कितनी ड्यूटी में आप कमा सकते हो, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो साथियों, मैंने हेडिंग ये रखी है, दुबई वीज़ा, ठीक है, उसमें सैलरी और जॉब, क्या जॉब मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना आपकी ड्यूटी होती है, उस तरीके से अपन बात करेंगे। तो साथियों, कंस्ट्रक्शन जॉब से रिलेटेड बात करेंगे, तो मैं सीधी सी बता दूं, दुबई में 8 घंटे ड्यूटी होती है, ठीक है, 8 घंटे या 9 घंटे कहीं में हो जाती है, उसमें 1 घंटा लंच हो जाता है, एवरेज 8 घंटे ड्यूटी होती है। जो सैलरी मिलती है वो 8 घंटे की आपको मिलेगी, जिसमें जुम्मा जमा, जुम्मा बोलते हैं यहाँ इंडिया में, फ्राइडे शुक्रवार की छुट्टी होती है, ठीक है। शुक्रवार को अगर कोई जॉब होता है तो हाफ डे हो जाता है, हाफ डे में फुल डे की छुट्टी हाजिरी इसमें मिल जाती है, ठीक है, या फिर उसका ओवर टाइम में आ जाता है वो, तो उसकी तनख्वाह अलग से मिलती है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे कौन सी कैटेगरी, हेल्पर जॉब। स्टार्टिंग बात करते हैं हेल्पर जॉब, मेसन टाइल फिक्सर, ठीक है, कारपेंटर, टाइल मेसन, ग्रेनाइट मेसन हो गया, मार्बल मेसन, प्लास्टर मेसन, पेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, ये लगभग इसमें आ गए, हो सकता है एक दो को छूट गया होगा, बाकी ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसमें कैसे क्या पगार मिलती है, तो हेल्पर में सबसे कम तनख्वाह मिलती है। हेल्पर का मतलब हो गया जो कारीगर जो काम करते हैं हाथ से, उनके नीचे जो हेल्पर होता है उसकी हेल्प करना है उसका होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो सैलरी बता रहा हूँ मैं लगभग बता रहा हूँ, भैया कमेंट तो करने वाले देखो हर वीडियो में करते हैं, उनका काम है, लेकिन मैं जो सैलरी बता रहा हूँ लगभग मिलती है, वही मिलेगी। इससे हो सकता है 150, 100, 200 दिन में ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हेल्पर में बात करेंगे तो 800 से 900 प्लस खाना, ये हेल्पर की सैलरी होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती अच्छी कंपनी में। तो मेसन की बात कर लेते हैं, तो मेसन 1000 से 1200 भी इसमें मिल सकता है, या 1200 प्लस 200 मिल सकता है। ये स्टील का काम है, ये कारपेंटर का काम है, टाइल मेसन का, टाइल मेसन में 200 हो सकता है, इसमें ज़्यादा मिल जाए, कई बार 1400 तक भी इसमें मिल जाता है, ठीक है, 1400 दरम तक इसमें मिल जाता है, प्लस खाना भी इसमें मिल जाता है मेसन का। ग्रेनाइट की तनख्वाह ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रेनाइट अलग, इसमें बड़ा मिस्त्री इसको बोल सकते हैं, तो इसमें 1500 तक या 1600-1700 तक भी इसमें तनख्वाह मिल जाती है, क्योंकि दुबई का सिस्टम है कि फिक्स तनख्वाह नहीं है, हर कंपनियों की अलग अलग है। किसी कंपनी में जैसे बात करें दुबई की सापुरची पालमजी कंपनी है, तो उसमें मेसन की पगार ही सिर्फ 800-900 आई है, उसमें भी बंदा 25,000 कमा लेता है, यहाँ पे बंदा 1500 लेके भी 25,000 में रह जाता है, ये कंडीशन है दुबई की। दुबई में सेम पगार नहीं है, हर कंपनी की अलग अलग पगार होती है, मैं ये पगार एवरेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मार्बल मेसन की बात करें तो 1200 से लेके 1500 तक मिल जाती है, ठीक है। प्लास्टर मेसन की, और ये सेम ही है मेसन की, 1000 से 1200, इससे ऊपर नहीं है। पेंटर की भी 1000 से 1200 दरम पगार होती है, प्लम्बर की भी, ये प्लम्बर का थोड़ा सा ठीक मिल जाता है, 1200, 1300, 1400, 1500 तक भी मिल जाती है कंपनी के हिसाब से। इलेक्ट्रिशियन का ठीक मिल जाता है, इलेक्ट्रिशियन का भी 1500, 1200 प्लस 200 या 1200 प्लस खाना, एवरेज 1500, क्योंकि दुबई में गलत में 200 रुपये का मतलब होता है खाना, ठीक है, वो 200 कैश नहीं देते, 200 आपका खाने का हो गया। मान लीजिए आपको 1200 प्लस 200 है, तो ये 200 खाने का है, आपकी सैलरी तो ये 1200 ही रहेगी, ठीक है साथियों। तो इस तरह से मैंने मोटा मोटी आपको सैलरी बता दी, ठीक है, ये सैलरी मिलेगी आपको 8 घंटे की, 8 घंटे की, मान लीजिए 8 घंटे का आपको मैं एवरेज बता दूं आपको कि आपको 1200 मिल रहा है, 1200 रुपये, ठीक है, तो अभी 18-19 का भाव चल रहा है, तो 8 घंटे का हिसाब से जोड़ लीजिए, 18-1000 हो गए, और लगभग 21-22 हज़ार रुपये ये बन जाते हैं 8 घंटे ड्यूटी के, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो शुक्रवार होता है उसको अगर आप छुट्टी कर लेते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप भर लेते हो तो इसकी तनख्वाह अलग से मिल जाती है। अगर 4 फ्राइडे आते हैं या भर लेते हो तो इसका 200-300 दरम एक्स्ट्रा इसकी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है ओवर टाइम, मेन गलप का एक सिस्टम है साथियों, गलप में इंसान वो ओवर टाइम के की वजह से जीता है। हर इंसान की ये सोच होती है कि यार ओवर टाइम मिले, क्लब में ओवर टाइम बहुत कम मिलता है, कई कंपनियों में तो बम्फर मिल जाता है, 4-4, 5-5 घंटे भी बंदे काम करें तो भी काम की कमी नहीं, लेकिन कई कंपनियों में ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो इसी सैलरी पे इनको 2 साल निकालनी पड़ती हैं। एक आदमी एक कंपनी में 20,000 रुपये कमा रहा है, वही पड़ोस की कंपनी में 30,000 कमा रहा है, ये ओवर टाइम का चक्कर आता है, ठीक है। ओवर टाइम है तो बंदा आराम से अच्छा पैसा कमा लेता है, अच्छा का मतलब 25,000 रुपये तक, ठीक है, जोर मार के कुछ लोग 30,000 भी कमा लेते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनियों में जाओगे तो
तो मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक अंदाज लगाया है, इसमें एक मैं आंकड़ा बता दूं, 70% लोग 20,000 में रह जाते हैं, ठीक है, बाकी के जो 20% होते हैं वो 25,000, 10% होते हैं वो 30,000 रुपये, ये मेरा आंकड़ा है साथियों। यानी 70% लोग 20,000 तक, भैया 20,000 मिल रहा है उनको तो वो ठीक मानते हैं, ठीक है, बाकी के जो 20% बचते हैं वो 25,000 तक पहुंचते हैं। 10% लोग हैं ऐसे हैं जिनको मान लीजिए ये 1,500 में ग्रेनाइट का, या अच्छा कोई मिस्त्री ओवर टाइम उसका अच्छा लग रहा है, बढ़िया मेहनत कर रहा है, तो वो 30,000 कमा लेता है। बाकी गलत का दुबई में एवरेज देखें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो 20-25 हज़ार बंदे का सालाना एवरेज आता है, इससे ऊपर सैलरी नहीं मिलती। कमाने वाले वहाँ 50,000 कमाते हैं, लाख भी कमाते हैं, उनका फॉर्मूला अलग से है, मैं अलग से वीडियो डालूंगा। कंपनियों के मैंने जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी दे दी, आपके भी पास कोई कमेंट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे आप दे सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसमें अपन और सुधार करके बता देंगे, क्योंकि भैया मैं तो दुबई जाके काम करने वाला हूँ नहीं, आप लोग काम करते हैं, आप लोग मुझे बताते हैं, आप अगर बताते हो तो मैं लोगों के साथ वो बातें शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आज के बाद एक नया सिस्टम भी अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें अगर आप भाई जो वीडियो देख रहे हो और आपके पास कोई सुझाव हो, जो बात मुझे नहीं पता वो आप अगर बताते हो तो आप लोगों की वजह से अन्य लोगों को फायदा और भला हो सके, तो प्लीज़ आप भी व्हाट्सएप द्वारा जैसे भी मैं नंबर देता हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि वो बातें मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी दुबई सैलरी और जॉब से रिलेटेड थी, नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरे वीडियो से संबंधित बात करेंगे, ये मैंने बात की है कंपनी वीज़ा के रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन आज़ाद वीज़ा से रिलेटेड बात करेंगे। तो साथियों इतना ही था, फिर भी आपका कोई कमेंट है तो क्वेश्चन करें, मैं आंसर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज़ नए टॉपिक पे ऐसे वीडियो आते रहते हैं, जिससे घर बैठे सही जानकारी सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।